टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूरोप इस समय भीषण गर्मी से झुलस रहा है, जिसके चलते यह वहां एनर्जी की डिमांड अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसी बीच रूस से गैस की सप्लाई रुकने से यूरोप पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर यूरोप में गैस की किल्लत बढ़ रही है, तो वहीं गैस की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। रूसी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम ने जानकारी देते हुए कहा है कि यूरोप को भेजे जाने वाली गैस की मात्रा में कटौती की जा रही है। इसके तहत यूरोप तक जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई घटाकर कुल क्षमता का 20% कर दिया गया है। रूस ने मात्रा में कटौती के लिए तकनीकी खामियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि जर्मनी ने इस घटना को यूक्रेन में युद्ध के बीच अनिश्चितता पैदा करने और कीमतों को बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक कदम बताया है। रूस की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम ने सोमवार को कहा कि वह उपकरण मरम्मत के कारण नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन के जरिए गैस के प्रवाह को कम करेगी और यह पाइपलाइन जर्मनी तक जाती है। आपको बता दें, इसके चलते जर्मनी की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दी हैं। जर्मनी ने चिंता जताई है कि रूस पूरी तरह से गैस को काट सकता है। इस गैस का उपयोग बिजली उद्योग के साथ बिजली पैदा करने और घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। वहीं रूस का कहना है कि एक कंप्रेसर स्टेशन के लिए टरबाइन के रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसलिए नॉर्ड स्ट्रीम एक के जरिए गैस की मात्रा के प्रवाह को घटाया गया है। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि रूस फिलहाल ब्लैकमेल करता दिखाई दे रहा है। चेकोस्लोवाकिया के उद्योग और व्यापार मंत्री जोजेफ सिकेला का कहना है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों को रूस की तरफ से आने वाली गैस की खपत को कम करने के लिए राजी होना होगा। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति अपना गंदा खेल खेल रहे हैं, जिससे यूरोप को गैस के नाम पर ब्लैकमेल किया जा सके। आपको बता दें कि यूरोप को अपने घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए रूस की गैस की जरूरत पड़ती है। वहीं इसका असर भारत में भी गैस की कीमतों पर आता दिखाई दे सकता है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब जल्द ही गैस की कीमतें भी झटका देती दिखाई दे सकती हैं। देश की सबसे बड़ी निजी पेट्रोलियम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देश में प्राकृतिक गैस की कीमतें अक्टूबर में फिर बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ ही कंपनी कीमतों पर लगाई गई अधिकतम सीमा को हटाने के पक्ष में भी है। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय राय ने तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद एक निवेशक चर्चा में कहा कि KG-D6 बेसिन से उत्पादित गैस की मूल्य सीमा $9.92 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के मौजूद स्तर से अधिक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।